जब भी हमारे दिमाग में क्रिकेट की सबसे ग्रेटेस्ट राइवलरीज की बात आती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ही आता है, जो कि इंडिपेंडेंस से चलती आ रही है। बट क्या आप यकीन करोगे, क्रिकेट में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से भी ज्यादा पुरानी और बड़ी राइवलरी एग्जिस्ट करती है, और वो है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया राइवलरी दी एशेज, जो की पांच टेस्ट मैचों की सीरीज है और हर दो साल में एक बार होती है। और जो भी प्लेयर इसमें अच्छा परफॉर्म कर दे वो पब्लिक की नजरों में स्टार बन जाता है, और यहाँ तक कि कई प्लेयरों की नजरों में एशेज वर्ल्ड कप से भी ज्यादा बड़ा है। एशेज अपने थ्रिल और सस्पेंस से भरे मैचेस की वजह से जाना जाता है, और एशेज की हिस्ट्री ऑलमोस्ट 142 इयर्स से भी ज्यादा पुरानी है। एंड इन्हीं सब में से एक 2005 की एशेज थी, जो खाली एशेज की नहीं बल्कि पूरी क्रिकेट हिस्ट्री की अभी तक की सबसे क्लोजेस्ट और थ्रिल से भरी टेस्ट सीरीज थी। तो चलो जानते हैं 2005 एशेज के बारे में। इंग्लैंड 2005 से पहले अपना लास्ट एशेज 1986 और 7 में जीता था बाय 2-1, और तभी से ही ऑस्ट्रेलिया एशेज को डोमिनेट करती आ रही थी, और 2005 तक आते आते ये डोमिनेंस 18 साल का हो चुका था। और इस बार एशेज इंग्लैंड में होने वाला था, और इंग्लिश फैंस को उम्मीद थी कि शायद इस बार इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की वो 18 साल की स्ट्रीक तोड़ दे, बट इस बार भी एक्सपर्ट्स की फेवरेट ऑस्ट्रेलिया ही थी। और उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी बॉलर ग्लेन मैकग्राथ ने ये तक प्रेडिक्ट कर दिया था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया 5-0 से इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करने वाली है। एंड फिर आता है मैच डे 21 जुलाई 2005, एशेज का फर्स्ट टेस्ट खेला जाता है लॉर्ड्स में। एंड इस मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने उतरती है, और इंग्लैंड के बॉलर स्टीव हार्मिसन इस इनिंग्स में कमाल की बॉलिंग करते हैं और ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेट लेकर उनको 190 पर ही ऑल आउट कर देते हैं। और इस इनिंग्स में क्रिकेट के खिलाए जाने वाले गैंगस्टर रिकी पोंटिंग को हार्मिसन एक डेडलीस्ट बाउंसर डालते हैं, जो उनके सीधे हेलमेट पर जाकर लगती है, जिसकी वजह से उनके फेस से ब्लड भी निकलने लगता है, और इंसिडेंट के कुछ ही देर बाद ही वो अपना विकेट हार्मिसन को दे बैठते हैं। एंड वापस से अगर हम स्टोरी पर आए तो फिर बैटिंग करने उतरती है इंग्लैंड, जहाँ पे ग्लेन मैकग्रथ 5 विकेट लेकर इंग्लैंड की कमर तोड़कर रख देते हैं, और 155 पर पूरी इंग्लैंड ऑल आउट हो जाती है। एंड अब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरती है, और माइकल क्लार्क के 91 रन्स, डेमियन मार्टिन के 65 एंड सैमियन के 67 रन्स के बदौलत ऑस्ट्रेलिया 384 रन्स बना देती है, और पिछले इनिंग्स की 35 रन्स की लीड को जोड़ दे तो अब इंग्लैंड को 420 रन्स का टारगेट को चेस करना था, जो कि देखने में इम्पॉसिबल से लग रहा था। एंड फिर होना क्या था, इंग्लैंड के बैट्समैन एक के बाद एक आउट ही होते जाते हैं, और पूरी टीम 180 पर ऑल आउट हो जाती है, और ऑस्ट्रेलिया ये मैच 239 रन्स के बड़े मार्जिन से आसानी से जीत जाती है। एंड इस मैच के मैन ऑफ द मैच बनते हैं ग्लेन मैकग्रथ, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट और सेकंड में 4 विकेट लिए थे। और इस मैच के रिजल्ट्स को देखकर ऐसा ही लग रहा था कि मानो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को व्हाइट वॉश करने वाली है। बट फिर नेक्स्ट टेस्ट मैच एशेज की हिस्ट्री का सबसे क्लोजेस्ट टेस्ट मैच में से एक माना जाता है, जो कि 4 अगस्त से चालू होता है, और इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए 407 रन बना देती है विद द हेल्प ऑफ 90 रन ऑफ मार्कस, 48 ऑफ एंड्रयू स्ट्रॉ, 71 ऑफ केविन पीटरसन एंड 68 रन ऑफ एंड्रयू फ्लिंटॉफ। एंड इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया 308 रन ही बना पाती है विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ 82 रन ऑफ जस्टिन लैंगर एंड 61 रन ऑफ रिकी पोंटिंग। एंड अगेन इंग्लैंड 99 रन की लीड के साथ बैटिंग करने उतरती है, बट इस बार मानो ब्रैडली और शेन वन वापस से गेम इंग्लैंड से दूर ले जाते हैं, और ब्रैडली 4 और शेन वन 6 विकेट्स लेकर इंग्लैंड को 182 पर ही ऑल आउट कर देते हैं। एंड अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 282 रन का टारगेट चेस करना था, और ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाती, और ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन हो जाती है 137/7। देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच वन साइडेड हो चुका है, एंड इंग्लैंड ये मैच इजीली जीत लेगी। एंड फिर बैटिंग करने आते हैं शेन वॉन, जो पिछले इनिंग्स के हीरो भी थे। वो 42 रन की क्रूशियल इनिंग खेलते हैं और मोमेंटम को शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 224/9 था, एंड अब भी गेम इंग्लैंड के हाथों में ही था। एंड फिर इंग्लैंड के सामने आउट ऑफ सिलेबस ब्रैडली आ जाते हैं, जो पूरा मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, और 43 रन की एक क्रूशियल नॉक खेलते हैं, और अब ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए होते हैं, एंड स्ट्राइक पर होते हैं मिचेल एंड बॉलिंग पर होते हैं हार्मिसन। एंड फिर इंग्लैंड 2 रन से बहुत ही क्लोज मैच जीतकर सीरीज 1-1 से बराबर कर देती है। एंड फिर इतने कमाल के मैच के बाद फाइनली थर्ड टेस्ट 11 अगस्त से स्टार्ट होता है, जहां पर इंग्लैंड पहले बैटिंग करते हुए 444 रन का एक बड़ा स्कोर बनाती है विद द हेल्प ऑफ 166 रन ऑफ कैप्टन माइकल वॉगन, एंड इसके काउंटर में शेन वॉन के 90 रन और बाकी प्लेयरों के थोड़े बहुत रन की कॉन्ट्रीब्यूशन से ऑस्ट्रेलिया 302 रन बना पाती है। एंड फिर इंग्लैंड एंड्रयू स्टोक्स के शतक के मदद से 280 तक पहुंच जाती है और फिर डिक्लेयर कर देती है। एंड
जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 423 रन का एक बड़ा टारगेट चेस करना था, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के विकेट गिरते ही जा रहे थे। बट एक साइड से रिकी पॉन्टिंग खड़े हुए थे, उन्होंने इतने प्रेशर से बड़े सिचुएशन में भी 150 प्लस रन बना दिए थे एंड स्कोर था 354/8। एंड फिर रिकी पॉन्टिंग एक कमाल की 156 रन की इनिंग्स खेलकर आउट हो गए एंड इसके लिए उन्हें इस मैच का मैन ऑफ द मैच भी चुना गया था। एंड अब इंग्लैंड जीत से बस एक विकेट दूर थी और ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ करने के लिए लास्ट 12 बॉल्स और निकालनी थी एंड फिर वो लास्ट 11 बॉल्स डॉट भी कर देते हैं और फिर लास्ट बॉल पे फाइनली ऑस्ट्रेलिया इस मैच को ड्रॉ करने में सक्सेसफुल रहती है एंड अब ये सीरीज बराबरी की लग रही थी। उल्टा सबकी फेवरेट ऑस्ट्रेलियंस हारते हुए नजर आ रही थी और फिर 25 अगस्त से फोर्थ टेस्ट शुरू होता है एंड इंग्लैंड दोबारा पहले बैटिंग करते हुए 477 रन बना देती है विद द हेल्प ऑफ 102 रन ऑफ एंड्री फ्लिंटॉफ, 85 ऑफ जोन्स एंड 65 ऑफ मार्कस। एंड ऑस्ट्रेलिया बैटिंग में ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाती और 218 पर ऑल आउट हो जाती है एंड अब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को 4 रन देकर दोबारा बैटिंग पर उतार है। एंड इस बार सब प्लेयरों के 50-60 रन की कंट्रीब्यूशन के बदौलत ऑस्ट्रेलिया 387 रन बना देती है एंड अब इंग्लैंड को ओनली 129 रन चेस करने थे और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि ये 129 रन इंग्लैंड को 329 रन के बराबर लगने वाले हैं। एंड क्या आप विश्वास करोगे, इंग्लैंड ये मैच सिर्फ 3 विकेट से जीतता है और एक मोमेंट पे तो ऐसा भी लग रहा था कि शायद इंग्लैंड ये मैच हार सकता है। बट अगर हम इस सीरीज के स्कोर की बात करें तो अब इंग्लैंड 2-1 से आगे था और अब दो ही पॉसिबिलिटीज बची थी कि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को हराकर एशिस वापस इंग्लैंड में लाएगा या फिर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतकर सीरीज को बराबर कर देगा और एशिस को रिटेन कर लेगा। एंड आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि अगर सीरीज टाई होती है तो पिछले एशिस के विनर ट्रॉफी को रिटेन करते हैं। और अब बारी थी लास्ट टेस्ट की जो 8 सितंबर से ओवल में होने वाला था और इस मैच में इंग्लैंड दोबारा पहले बैटिंग करते हुए 373 रन बना देती है विद द हेल्प ऑफ 129 रन ऑफ एंड्री स्ट्रॉस एंड ऑस्ट्रेलिया भी इसके जवाब में 367 रन बनाती है विद द हेल्प ऑफ 105 रन ऑफ जस्टिन लैंगर एंड 138 रन ऑफ मैथ्यू एडन। और अब इंग्लैंड अपनी सेकेंड इनिंग में 335 रन बना देती है विद द 158 रन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केविन पीटरसन और अब ऑस्ट्रेलिया को 342 रन का टारगेट चेस करना था। बट इस मैच में बार बार बारिश होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया अपनी सेकेंड इनिंग खेल नहीं पाती और ये मैच टाई हो जाता है एंड इंग्लैंड ये सीरीज 2-1 से जीत जाती है। और इसके कुछ टाइम बाद इंग्लैंड के लंदन में रैली भी निकाली जाती है जो हर एक रियल क्रिकेट फैन के दिलों में आज भी बसी हुई है। और क्या आपको लगता है कि एशेज की तरह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की भी कोई टेस्ट सीरीज होनी चाहिए, मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना।